सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट विद विजय चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट क्रिकेट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आईपीएल 2021 का 12वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खत्म हो गया है, जहां पे दोस्तों इस मैच के बाद आईपीएल 2021 के पॉइंट टेबल में काफी बदलाव हुआ है, काफी उतार चढ़ाव हुआ है। साथ ही दोस्तों ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की लिस्ट में भी काफी बदलाव हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको सीएसके और आरआर के मैच के बाद आईपीएल 2021 का लेटेस्ट पॉइंट टेबल बताने वाला हूं, साथ ही ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की अपडेट भी देने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर आप भी आईपीएल के फैन हैं, सीएसके या आरआर में से किसी टीम के फैन हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में जरूर बताएगा कि आप कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आईपीएल 2021 का 12वां मैच सीएसके और आरआर के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था, जहां पे दोस्तों सीएसके की टीम ने इस मैच को काफी बड़े मार्जिन से जीत लिया है। अब दोस्तों आईपीएल 2021 के लेटेस्ट पॉइंट टेबल की बात करें सीएसके और आरआर के मैच के बाद, तो वो कुछ इस तरीके से, जहां पे दोस्तों पॉइंट टेबल में फिलहाल 8वें नंबर पे है डेविड वॉर्नर की कप्तानी वाली एसआरएच की टीम, जिन्होंने कि दोस्तों अब तक 3 मैच खेले हैं, तीनों के तीनों मैच ये टीम ने हारे हैं और इनका 0 पॉइंट्स है, जबकि इनका नेट रन रेट है -0.483। तो दोस्तों एसआरएच की टीम को अगर प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करना है तो उन्हें आने वाले मैचेस जीतने होंगे। उनके साथ दोस्तों पॉइंट टेबल में 7वें नंबर पे है केएल राहुल की कप्तानी वाली पीबीकेएस की टीम, जिन्होंने कि दोस्तों अब तक 3 मैच खेले हैं, 1 मैच जीती है, 2 मैच हारी है, इनके 2 पॉइंट्स है और इनका नेट रन रेट काफी माइनस में चल रहा है, जो कि -0.967 है। तो दोस्तों यहां पर पंजाब की टीम को भी आने वाले मैचेस जीतने होंगे अगर उन्हें प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करना है। तो उन्हीं के साथ दोस्तों पॉइंट टेबल में 6 नंबर पे है आरआर की टीम, जिन्होंने कि दोस्तों अब तक 3 मैच खेले हैं, 1 मैच जीती है, 2 मैच हारी है, इनके 2 पॉइंट्स है और इस मैच में हार के बाद इनका नेट रन रेट काफी माइनस में चल रहा है, जो कि -0.719 है। उन्हीं के साथ दोस्तों पॉइंट टेबल में 5वें नंबर पे है एवन मॉर्गन की कप्तानी वाली केकेआर की टीम, जिन्होंने कि दोस्तों अब तक 3 मैच खेले हैं, 1 मैच जीती है, 2 मैच हारी है, इनके 2 पॉइंट्स है और इनका नेट रन रेट है -0.633। वहीं दोस्तों पॉइंट टेबल में 4थे नंबर पे है रोहित शर्मा की कप्तानी वाली एमआई की टीम, जिन्होंने कि दोस्तों अब तक 3 मैच खेले हैं, 2 मैच जीती है, 1 मैच हारी है, इनके 4 पॉइंट्स है और इनका नेट रन रेट है +0.367। तो दोस्तों यहां पर एमआई की टीम काफी सेफ चल रही है। उनके साथ दोस्तों पॉइंट टेबल में 3रे नंबर पे है ऋषभ पंत की कप्तानी वाली डीसी की टीम, जिन्होंने कि दोस्तों अब तक 3 मैच खेले हैं, 2 मैच जीती है, 1 मैच हारी है, इनके 4 पॉइंट्स है और इनका नेट रन रेट है +0.453। वहीं दोस्तों पॉइंट टेबल में जीत के बाद 2रे नंबर पे आ गई है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम सीएसके की टीम, जिन्होंने कि दोस्तों अब तक 3 मैच खेले हैं, 2 मैच जीती है, 1 मैच हारी है, इनके 4 पॉइंट्स है और इनका नेट रन रेट काफी प्लस में चल रहा है, जो कि +1.194 है। वहीं दोस्तों पॉइंट टेबल में पहले नंबर पे है विराट कोहली की कप्तानी वाली आरसीबी की टीम, जिन्होंने कि दोस्तों अब तक 3 मैच खेले हैं, तीनों के तीनों मैच ये टीम जीती है, इनके 6 पॉइंट्स है और इनका नेट रन रेट है +0.750। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से है आईपीएल 2021 का लेटेस्ट पॉइंट टेबल। अब दोस्तों ऑरेंज कैप की बात करें, यानी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज की बात करें, तो दोस्तों ऑरेंज कैप की लिस्ट में पहले नंबर पे बने हुए हैं दिल्ली कैपिटल्स के शिखर धवन 186 रनों के साथ। उन्हीं के साथ दोस्तों अगर पर्पल कैप की बात करें, यानी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज की बात करें, तो यहाँ पर इस लिस्ट में पहले नंबर पे बने हुए हैं आरसीबी के हर्षल पटेल 9 विकेटों के साथ। उन्हीं के साथ दोस्तों इस मैच के बाद आरआर के चेतन साकरिया ने पर्पल कैप की लिस्ट में टॉप 5 में एंट्री पा ली है, जहां पे दोस्तों चेतन साकरिया 6 विकेटों के साथ पर्पल कैप की लिस्ट में 5वें नंबर पे बने हुए हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से था आईपीएल 2021 का लेटेस्ट पॉइंट टेबल, साथ ही ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की लिस्ट का अपडेट। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।